अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माय किचन। आज मैं आपके साथ में जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही पसंद आती है किसको, बच्चों को, क्योंकि ये एक स्नैक्स रेसिपी, वो भी चिकन स्टफ ब्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बनाने के लिए मैंने, मेरे पास कुछ ब्रेड स्लाइसेस हैं जो मैंने इसे सर्कल, कोई भी कटर से आप इसे ना सर्कल कट कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने सारे को सर्कल कर लिया है, सारों को मैंने अच्छे से सर्कल करके इसे कट करके रख लिया है। तो अब मैं इसे रखती हूँ साइड में और चलते हैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो बस मैं अभी इसे ढक देती हूँ और ढक के इसे मैं पकाऊंगी जब तक कि ये मेरा पानी अच्छे से सूख ना जाए और मेरा चिकन अच्छे से गल ना जाए। तो फिर इसे कम से कम इसे 5 से 7 या 10 मिनट तक लग सकते हैं। तो देखिए, इसे 15 मिनट में अच्छे से ये गल चुका है और मेरा पानी भी अच्छे से सूख चुका है। तो अब मैं इसे कम्प्लीटली कूल डाउन होने दूंगी, तो फिर मिलते हैं इसे ठंडा होने के बाद। तो देखिए, ये हो गया हमारा चिकन कम्प्लीटली कूल। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे, और जो मेरे पास ये 250 ग्राम्स कीमा था चिकन का, तो मैं इसमें लगभग एक, ये मैंने अनियन बड़ी सी थी मेरे पास, तो मैं इसमें थोड़े से बचा लूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। आप इसमें एक मीडियम साइज़ की फुल आप डाल सकते हैं। मैं डालूंगी इसी के अंदर ही एक छोटी सी कटोरी सिजवान चटनी है, वो मानी जाएगी इसी के अंदर, और थोड़ा सा मेरे पास जाएगा इसमें रेड चिली का पाउडर लूंगी हल्का सा, क्योंकि हम पाउडर भी डाल, ये सिजवान चटनी भी डाले हैं तो इसके लिए। और अभी इसी में जाएगा मेरा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, वैसे भी मैंने बॉईल करने से थोड़ा सा नमक डाला था, तो मैं थोड़ा ही नमक डालूंगी। कैप्सिकम भी मैं एक बड़ा सा चम्मच, 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी बस। मुझे वेजीज इसमें कम रखना है, जैसे प्याज और ये सब मुझे इसमें इसलिए कम रखना है क्योंकि ये है चिकन का, तो मुझे चिकन का भरपूर टेस्ट चाहिए इसके अंदर, भरपूर में तो वेजी मुंह में नहीं आना चाहिए, और मतलब चिकन का आना चाहिए। और इसमें मैं कम अज़ कम 3 बड़े से चम्मच मेयोनीज के डालूँगी, मेयोनीज मैंने अच्छा खासा डालूँगी इसमें। और फिर इसे कर लेते हैं मिक्स मिक्स और मिक्स, अच्छा सा मिक्स देने से। तो देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है हमारे चिकन को, और अब मैं इसमें ये मैंने सॉस डाला मुझे थी, मैं एक बड़ा सा चम्मच सॉस डालूंगी इसमें, तो यार इसको वापस कर लेती हूँ मिक्स। तो यहाँ पे मेरा चिकन भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने लूंगी 2 ब्रेड जो हमने ये सर्कल करके रखा था पहले से, और इसे मैं हल्का सा थोड़ा सा गीला कर लूँगी, 2 लूँगी पहले, 1 लूँगी इसे मैं साइड से हल्का सा गीला कर लूँगी पहले पानी लगा के, अच्छे से हल्का ही गीला करना है हमें, ज़्यादा नहीं। और फिर मैं अपने बैटर डालूँगी इसमें 1 चम्मच अच्छे से भर के, इसे फ्राई करेंगे तो ये निकलना नहीं चाहिए। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसे स्टफ कर लिया है हमारे ब्रेड को अच्छे से, और प्रेस कर लिया मैंने ऐसे अच्छे से, इसे साइड में साइडों से दबाते जाइए आप, तो ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा। देखिए, फिर मैं इसके अंदर अंडा का मिक्सचर में डालूंगी, मैंने ये 2 अंडे लिए हैं, इसमें मैंने नमक डाल दिया, नमक डाल के अच्छे से फेंटा मैंने। तो अब मैं इसे जल्दी से ये इसमें डालूंगी और निकालूंगी, और फिर इसको मैं डालूंगी ब्रेड क्रम में, और इसे लगाऊंगी ब्रेड क्रम, अच्छे से कोट करेंगे हम, हर जगह से कोट करेंगे। तो देखिए, ये एक बन के तैयार हो गया है मेरा, तो देखिए एक ऐसा बन के मेरा तैयार हो गया। तो अब मैं सारे इसी ऐसे ही इसे स्टफ करती जाऊंगी फटाफट इसे, और ब्रेड क्रम में लगा के इधर मैं रखती जाऊंगी। तो देखिए, इतने मैंने 4 मैंने बना के रख लिए, तो अभी इसे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, अभी हम इसे फ्राई करने चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तेल भी मेरा अच्छा खासा गर्म हो चुका है, अब मैं इसे गर्म तेल में, एकदम गर्म गर्म तेल में डालूंगी, और फिर बाद में मैं अपना गैस स्लो कर लूँगी। पहले हम इसमें डाल देंगे हमारा, आप एक एक डालिए या दो दो डालिए, तो आपके ऊपर डिपेंड है, फिर बाद में आप इसे गैस को स्लो कर दीजिए। तो बस, और लगभग इसे 2-3 मिनट तक ऐसी बनाइए,
और फिर उसे टर्न कीजिए दोबारा। तो देखिए लगभग 2-3 मिनट के बाद में मैंने इसे पलट लिया था, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और अच्छे से ये दोनों तरफ से पक चुका है। अच्छे से पक चुका है और कलर भी बहुत अच्छा है, इसे ज़्यादा हमें डार्क करना नहीं है। तो इसी तरह से हम सारे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए सारे मैंने तल लिए ना, मतलब तुमने अभी मेरी हेल्प किया ना, बताओ इसकी स्टफिंग करने के लिए। तो अब ये मेरे सारे मैंने तल लिए हैं और इसे मैं आपको कट करके पहले दिखाऊँ आपको। इसको मैं क्रिस्पी, देखिए इसका क्रिस्पी, देखिए बहुत ही देखिए क्रिस्प। और ये देखिए अंदर की स्टफिंग, ये है चिकन पॉकेट, ये आपका चिकन पॉकेट, देखिए ऐसा चिकन स्टफ गरम है, देखिए बहुत ही टेस्टी और खुशबू, देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही। तो मैं इसे पहले बदन को चेक कर रही थी, बदन थोड़ा सा गर्म है, सामान आ करो आप बहुत ही कर सकते हैं, वेजीज अपने पसंद से डालिए या चिकन की जगह अगर आप पनीर डालना चाहते हैं तो पनीर डालिए, पर टेस्ट में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, टेस्ट आपका बहुत ही लाजवाब मिलेगा आपको, बहुत ही टेस्टी और एकदम माउथ वाटरिंग है ना राजू। यस मम्मा। तो बतूल कल टिफिन में लेके जाएगा ये? यस। है ना, तो ये आप उसे एज ए स्नैक्स बना सकते हैं, टिफिन में बच्चों के भी दे सकते हैं और घर में भी ऐसी पार्टी कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।